तो गाइस ये है मेरा पहले का सेटअप। Hey guys, my name is Ashish. Welcome. Hey guys, my name is Ashish. Welcome back. Hey guys, my name is Ashish. Welcome back to. Hey guys, my name is Ashish. Welcome back to one. So finally, guys, Saturday tour video आ चुकी है. So hey guys, my name is Ashish, welcome back to my other video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। So guys, मैंने दो तीन दिन पहले एक Instagram पे स्टोरी डाली थी कि क्या मुझे एक सेटअप टूर की वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि guys मैंने काफी सारे नए चीजें ली अपने सेटअप को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मुझे एक सेटअप टूर की वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइस आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, उसमें आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो मेरी सेटअप टूर के वीडियो को देखने के लिए, तो लो गाइस आज मैं सेटअप टूर की वीडियो को लेके आ गया हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि गाइस आपको सब कुछ पता चलने वाला है कि मैं किस तरीके से वीडियो को शूट करता हूँ, कौन से मेरे टूल्स हैं, मैं कौन सी चीजें यूज करता हूँ वीडियो को बनाने के लिए। तो गाइस वीडियो पे पूरा एंड तक बन जाएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरुआत करते हैं अपने टेबल से, क्योंकि ओवरऑल शूट इस टेबल में ही होता है। तो ये है मेरा वुडन टेबल, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, वुडन डिजाइन में है, एंड इसके ऊपर मैं शीट रखता हूँ एंड आराम से ड्रॉ कर पाता हूँ कंफर्टेबली। शीट के साइड में मेरे ड्रॉइंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि पेंसिल वगैरह या वाटर कलर्स। टेबल का स्पेस काफी ज्यादा सही है, मैं इसके ऊपर जितने मर्जी अपने ड्राइंग के मटेरियल्स रख सकता हूँ एंड इजीली कंफर्टेबली अपनी ड्राइंग कर सकता हूँ इस टेबल पे। तो वैसे बात करते हैं अपने लाइटिंग सेटअप की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल वीडियो को बनाने में। तो गाइस मेरे पास है बहुत पहले से रिंग लाइट, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, काफी ज्यादा बढ़िया रिंग लाइट होती है। जितने भी प्रोफेशनल वीडियो सारे जो बनाते हैं उनके पास तो रिंग लाइट होती है, तो मेरे पास भी है एक रिंग लाइट जो कि कुछ इस तरीके की है। एंड गाइस आप देख सकते हो कि इसकी जो लाइट है वो कितनी ज्यादा ब्राइट है। तो गाइस रिंग लाइट मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि मैं इससे मेरी हर ड्राइंग की फोटो इसी रिंग लाइट से खींचता हूँ, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया यूजफुल है मेरे लिए। यहाँ पे गाइस हमें दो बटन देखने को मिलते हैं जिससे हम डिफरेंट कलर्स में चेंज कर सकते हैं। यूजुअली गाइस रिंग लाइट काफी ज्यादा महंगी आती है, लेकिन मैंने एकदम रीजनेबल प्राइस में ली थी। मैंने ली थी कम से कम 500-600 की ली थी, जो कि काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस में है। सो गाइस अब बात करते हैं अपने सेकंड लाइटनिंग टूल की, जो कि है अम्ब्रेला लाइट, कुछ इस तरीके की है गाइस। सो गाइस ये है अम्ब्रेला लाइट, जो कि मैंने अभी से रिसेंटली मंगाया एक दो दिन पहले फ्लिपकार्ट से, जो कि काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस में है। मैंने ये मंगाया 300 रुपए में, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया है, आप देख सकते हो। इसका जो नीचे का स्टैंड देख सकते हो आप, वो मेरे पास पहले से ही था। इसका जो ऊपर का लाइट है अम्ब्रेला, वो मैंने बस अलग से परचेज किया है फ्लिपकार्ट से, जो कि काफी ज्यादा मेरे को रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। ये मैंने लिया था कम से कम 300 रुपीज का एक पीस। तो ये मेरे पास दो लाइट है कि मेरे पास अभी जरूरत नहीं पड़ती, मेरा एक ही से काम हो गया, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो मेरे पास तो इसके दो पीस है, दो अम्ब्रेला है, मुझे दोनों के भी तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा एक ही से काम हो गया था, क्योंकि गाइस इसकी लाइट है वो काफी ज्यादा ब्राइट है, तो मेरा एक ही से काम हो गया था। अगर मुझे पहले पता होता कि ये अम्ब्रेला लाइट काफी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करती है, तो मैं सिर्फ एक ही मंगाता। तो गाइस अब बात करते हैं अपने ये वाली लाइट की, जो कि आप देख सकते हो गोल्डन व्हाइट कलर की है, एंड इसके जो पीछे वाली लाइट है जो कि पिंक कलर की है, इन दोनों की गाइस अब बात करते हैं। तो गाइस ये है एक सिंपल सी वायर जिसके ऊपर ढेर सारी लाइट लगी हुई है, व्हाइट गोल्डन कलर की, ऐसा कुछ कलर है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप वीडियो में देख सकते हो। एंड इसके स्टार्टिंग में गाइस हमें एक यूएसबी देखने को मिलती है, जो इसके साथ अटैच हुई है इस वायर के साथ। तो गाइस अब बात करते हैं ये पिंक लाइट की, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, आप वीडियो में देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है देखने में। तो ये मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन, एंड ये मेरे को पड़ी है लगभग 150 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। तो वीडियो को थोड़ा और डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने इस टेबल पे दो पॉट रखे हैं, आप देख सकते हो फ्लावर के, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, मैं इसको पीछे डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ था, ताकि जो वीडियो है वो एकदम सुंदर लगे। तो गाइस अब बात करते हैं शूटिंग की, कि मैं किस तरीके से शूटिंग करता हूँ, कौन सा मैं ट्रैपॉड यूज करता हूँ। ये है गाइस एक नॉर्मल ट्रैपॉड जिसमें आप अपना DSLR भी लगा सकते हैं एंड अपना मोबाइल फोन भी लगा सकते हैं। सो गाइस मेरे ट्रैपॉड के साथ मेरे पास एक छोटा सा ट्रैपॉड है व्लॉगिंग वाला, जो कि काफी ज्यादा छोटा हैंडी है, काफी ज्यादा आराम से इसे पकड़ सकते हैं। तो इस ट्रैपॉड को गाइस मैं थोड़े दिन पहले ही परचेस किया, जो कि मुझे मिला 500 रुपीज में अमेजोन से, मैंने परचेस किया था, जो कि काफी ज्यादा सही है। एंड ये मैं थोड़ा बहुत ही यूज करता हूँ, मतलब थोड़ी बहुत अगर मुझे व्लॉगिंग करनी होती है, आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे कि मैं थोड़ा बहुत अभी व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं वो इसी ट्रैपॉड का यूज करता हूँ, जो कि काफी ज्यादा सही है, हैंडी है एकदम पकड़ने में एंड काफी छोटा है। तो गाइस अब मैं आपको एकदम इसकी बढ़िया चीज दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये छोटा सा व्लॉगिंग ट्रैपॉड है, तो अब आप देख सकते हो कि ये एकदम अच्छी तरीके से एक्सपेंड हो जाता है, मतलब अगर हमको मोबाइल से ज्यादा पार्ट कवर करना हो व्लॉगिंग के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। गाइस देखो कितना ज्यादा एक्सपेंड हो गया, मतलब ये एकदम सेल्फी स्टिक की तरह है। एंड गाइस अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गाइस ये खुल जाता है एंड ये ट्रैपॉड भी बन जाता है जो कि काफी ज्यादा सही है गाइस। इतना ज्यादा यूजफुल ट्रैपॉड मैंने आज तक नहीं देखा। सो गाइस अब बात करते हैं कि मैं वीडियो को बनाने के लिए किस चीज का यूज करता हूँ, मोबाइल का यूज करता हूँ या कैमरा का यूज करता हूँ। वीडियो को शूट करने के लिए मैं यूज करता हूँ एक DSLR का जो कि है मेरे पास कैनन 200D। इसकी वीडियो क्वालिटी गाइस काफी बेहतरीन है, आप देख सकते हो मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है सारी मैंने DSLR का यूज करके बनाई है। तो जैसे कि गाइस आपने देखा कि मैं DSLR का यूज करता हूँ, ज्यादातर मेरी बोलने वाली वीडियो और ड्रॉइंग की वीडियो में भी DSLR का यूज करता हूँ। तो थोड़ा बहुत जैसे मुझे व्लॉगिंग करनी होती तो मैं इस फोन का यूज करता हूँ, मेरे फोन का काफी सही पड़ जाता है। जब मुझे थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करनी होती है वो वीडियो के बीच में तो मैं स्मार्टफोन का यूज कर लेता हूँ, काफी ज्यादा काम आ जाता है। सो गाइस ये था मेरा सेटअप जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरा सेटअप कैसा लगा एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं होगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं ढेर सारी वीडियो ऐसे लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइस मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।